भाईजान की मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जिसका नाम है किसी का भाई किसी की जान। अब किसका भाई है किसकी जान ये तुम लोग डिसाइड कर लेना, लेकिन इसके नाम से कोई कंफ्यूज हो सकता है कहीं ये भाईजान की बायोपिक तो नहीं है। वैसे अगर आपको पता नहीं है तो पहले इस फिल्म का नाम कभी ईद कभी दिवाली होने वाला था। अब ये ट्रेलर बिना किसी शक के नो डाउट बहुत ही अच्छा है, लगता है वीडियो एडिटर को अच्छे पैसे मिले हैं। तो ट्रेलर आपको एक्शन इमोशन एंड ब्यूटी के साथ काफी कलरफुल देखने में लगेगा, यानी कि जैसा एक टोटल मसाला एक्शन फिल्म होता है। बट ट्रेलर तो सलमान खान की हर फिल्म का ही अच्छा होता है, एंड उनकी लास्ट फिल्म राधे का भी था, बट वो फिल्म कितनी अच्छी सॉरी कितनी बुरी थी आपको पता ही होगा। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर शुरू होता है भाईजान की आवाज से, जहां भाई की भारी आवाज में हमें गीता का श्लोक सुनने को मिलता है। अब मेरे पास गीता है तो इसका ज्ञान बांटना तो बनता है। तो ये श्लोक जो हमें सुनने को मिलता है वो भागवत गीता के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है, जो कि कुछ इस तरह है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव माम का पांडवस्येव किम कुर्वत संजय। एंड इस श्लोक के अनुसार धृतराष्ट्र संजय से ये पूछते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की से एकत्र हुए मेरे एंड पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अगर आपको मतलब समझ में आ गया तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। तो इसके बाद ट्रेलर के अगले सीन में हमें पूजा हेगड़े को दिखाया जाता है, एंड इसके हाथ में भी आप गीता को देख सकते हो। इसके बाद ट्रेलर में हमें अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सिद्धार्थ निगम, राघव जोयान एंड जस्सी गिल। एंड ये तीनों इस फिल्म में सलमान खान के छोटे भाई के कैरेक्टर में है। इसके साथ इस सीन में आप शहनाज गिल को भी देख सकते हो, जो कि इस फिल्म में राघव की बंदी के कैरेक्टर में है। इसके साथ ही हमें वेंकटेश दगुबती को दिखाया जाता है, जो कि पूजा हेगड़े के भाई के कैरेक्टर में है। एंड ये इस फिल्म का एक तरह से इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होने वाले हैं। तकदीर वाला मूवी के बाद ये इनकी बॉलीवुड में दूसरी फिल्म है, एंड मैंने तकदीर वाला मूवी देखी है जो कि मुझे काफी पसंद है। अगर आप लोगों में से किसी ने देखी है तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड इनकी वाइफ के कैरेक्टर में आपको भूमिका चावला देखने को मिलेगी, यानी कि ये इस फिल्म में सलमान खान की भाभी लगेगी। एंड अगर आपको याद है तो तेरे नाम में यही निर्जला थी जिसके कारण भाई पगला गए थे। एंड उसके बाद हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है ये कैरेक्टर जो कि है जगपति बाबू का। एंड अगर आप साउथ की फिल्में देखते हो तो आपको पता होगा कि जैसे ये हर फिल्म में होम मिनिस्टर बनता है, वैसे ये भी हर एक दूसरी मूवी में विलन के कैरेक्टर में रहता है। एंड इस फिल्म में भी ये मेन विलन के कैरेक्टर में है। ट्रेलर में आप सलमान खान को तीन लुक में देख सकते हो, पहला है ये जुल्फो वाला, दूसरा है ये नॉर्मल, एंड तीसरा है ये VFX वाला। एंड ये लुक सिर्फ मुझे ही या आपको भी अजीब लग रहा है कमेंट कर देना। एंड कुछ ऐसी ही जुल्फे सलमान खान की वीर मूवी में भी थी, एंड जहां तक मुझे पता है वो मूवी फ्लॉप हुई थी। तो ये फिल्म भी, अब सलमान भाई इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी है, तो ट्रेलर में आप उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन का प्रमोशन देख सकते हो, जहां पर इस सीन में आप उनके हाथ में बीइंग ह्यूमन का कप देख सकते हो, एंड उनके पीछे इसी कंपनी का कैफे भी देख सकते हो। साथ ही इस सीन में भाई ने इसी कंपनी का शर्ट पहना हुआ है। तो ये ट्रेलर काफी ही अच्छा है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेलर तो सलमान खान की हर फिल्म का ही अच्छा होता है, तो इस फिल्म के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एक रीमेक है। तो ये रीमेक है 2014 में आई तमिल फिल्म वीरम का, जो कि अजीत कुमार जी की फिल्म थी, जिसे आप यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हो बिना एक भी पैसा खर्च किए। अब ऑब्वियस ये बात है कि अगर किसी फिल्म का रीमेक किया जा रहा है तो वो फिल्म अच्छी ही होगी। एंड अगर आपको याद है तो सलमान खान की जो अच्छी एंड सुपर हिट मूवी रही है वो साउथ की रीमेक ही थी, जैसे कि किक, बॉडीगार्ड एंड वांटेड। तो ये फिल्म भी अच्छी हो सकती है। वैसे शाहरुख खान के लिए तो ये साल काफी अच्छा रहा है, तो देखते हैं कि भाई का क्या होता है। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।